बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि जी ये जो महंगाई है ये कागज़ों की हद तक कम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन चीज़ें तो वैसी महंगी हैं, तो ऐसा क्यों है? तो मैं बड़े सादा से अल्फाज में आपको समझाऊंगा कि पिछले साल जो है ना, मैं 35% अगर मार्च 2023 की बात करूं, 35% था CPI। इसका मकसद ये है कि जो चीज़ 100 रुपये की थी पिछले मार्च में, वो 135 रुपये की हो चुकी थी। इस मार्च में जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो फिगर्स हमें बताए हैं, दैट इज़ 20% है, 20% जो है वो चीज़ें और महंगी हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि 35% पिछले साल थी, इस साल 20% है, तो आप आदत बना लें। 20% तो है, लेकिन उस 135 का 20% है, यानी जो चीज़ 135 की थी वो 20% मजीद महंगी हुई है, तो ये इसका मतलब है। तो 135 की चीज़ अगर 20% मजीद महंगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 27 रुपये और महंगी हो गई है। तो 135 जमा 27 ये हो गया 162 रुपये। तो 162 रुपये की जब चीज़ हो जाएगी, तो उस पर वो आपको सस्ती तो कहीं से भी नज़र आएगी। तो इसलिए हमें जो है ना, वो लगता ये है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स में या टेक्निकल टर्म्स में जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो कम होती हुई नज़र आ रही होती हैं, हकीकत में नहीं होती। तो ये 20% जो कम हुई है इन्फ्लेशन, उसके बावजूद जो असल कीमत है वो 135 से 162 पे आई है। तो अब हालात अगर मैं टेक्निकली ही आपको समझाऊँ, तो उसी सूरत में आप कह सकते हैं कि अब सस्ती होगी जब आपका इन्फ्लेशन 5%, 6% के ऊपर आ जाएगा, तब आप समझ सकते हैं कि जी अब थोड़ा गुजारा हुआ है। तब आप ये समझें कि आज जिस चीज़ की कीमत 100 रुपये है, तो अगले साल उसकी 105 होगी, उससे अगले साल 105 का 5 या 6% या जो भी इन्फ्लेशन का फिगर होगा। तो अगर हम इन्फ्लेशन को अगले 2-3 साल तक 5 से 6% पे रख सकें, तो आप समझें कि चीज़ों की जो इस वक्त जो कीमतें इस वक्त हैं ये मेंटेन रहेंगी। अगर ये 20%, 15% भी अगर महंगाई अगले 2-3 साल तक रही, तो आप समझते रहें कि इनमें मज़ीद इजाफा होता जाएगा मौजूदा कीमतों की निस्बत। तो उम्मीद है इस सादा सी मिसाल से आप लोगों को जो है वो इन्फ्लेशन के हवाले से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सरदस इतना ही आप लोगों के लिए, अल्लाह हाफिज़।